हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज के अपने वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ अमेजिंग सा विंटर स्पेशल फेस ये सीरम। विंटर स्पेशल फेस सीरम विंटर्स में होने वाले सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जैसे कि हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, खिंची खिंची रहती है, बहुत बेजान रुखी सी और देखने में काफ़ी डल लगने लगती है। तो ये फेस सीरम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारे स्किन को डीप मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करे, काफ़ी सॉफ्ट सपल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन बनाएगा। देखने में काफ़ी हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज आपकी स्किन आपको दिखने लगेगी और स्पेशली ग्लो आपके चेहरे पे बहुत ब्यूटीफुल सा आता है। देखिए, देखने में काफी क्रीमी स्मूथ और मिल्की टेक्सचर के साथ आता है, जो इफेक्टिव भी उतना ही है जितना कि देखने में ब्यूटीफुल लगा। आज के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया है कि विंटर स्पेशल फेस सीरम कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या, और मैंने इसको ना कुछ खास और स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनाया है जो कि आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत ही ईजिली। तो आइए फिर जानते हैं इस विंटर स्पेशल सीरम को कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीजें मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है बादाम यानी आलमंड का। आलमंड खाने और लगाने दोनों के बहुत सारे हेल्थ और स्किन बेनिफिट्स होते हैं। बादाम यानी आलमंड में भर भर के विटामिन ई की मात्रा होती है, जो कि हमारे स्किन को काफी मॉइस्चराइज और ग्लोइंग बनाती है। बस हमें क्या करना है, कुछ रॉ यहाँ पे आलमंड लेने हैं, ज्यादा हमें नहीं लगेगा, हमें 4-5 ही चाहिए। उसके बाद इसको रात भर सोक कर दीजिए, भिगो दीजिए। भिगोने के बाद ये अच्छे से जब फूल जाए, आप चाहें तो अगर आपको तुरंत बनाना है तो गर्म पानी में डालेंगे अपने आलमंड को, तो ये इस तरीके से इसका छिलका ये बहुत इजिली निकल जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत इजिली रिमूव हो जाता है। बस आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा गर्म पानी में इसको भिगो दीजिए, उसके बाद इसको आराम से इजिली इस तरीके से इसका छिलका भी आप निकाल पाएंगे। बस हमें क्या करना है, हमें इसके छिलके को निकाल के अलग कर देना, हमें जो इसके अंदर का मटेरियल है वो बेसिकली इस्तेमाल करना है, छिलका नहीं इस्तेमाल करना। अब क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में डाल करके अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा लिया क्योंकि मैं इसका फेशियल भी किया हुआ है, चैनल पे जाके चेकआउट करिएगा। अब सिंपली इसको अच्छे से थोड़ा पानी डाल के हमको महीन पीस लेना है, बहुत जितना स्मूथ कर सकेंगे उतना महीन इसको पीसना है। पीस लिया, देखिए इतना हमें मिल गया। अब हमें क्या करेंगे, थोड़ी देर इसको अपने स्टोव पर रख के पकाएंगे। यहाँ पे आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपका फ्लेम, स्टोव का जो आंच है वो स्लो रखना है, कम फ्लेम पे धीरे धीरे करके पकाना है आपको, तेज नहीं रखना है, तेज करेंगे तो जल जाएगा। और जब भी थोड़ा स्मूथ हो जाए, गाढ़ा हो जाए, देखिए गाढ़ा हो चुका है, इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। इस प्रोसेस में हार्डली हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा, स्लो स्लो पकाएंगे तो ठीक। उसके बाद देखिए हमारा अच्छे से स्मूदी क्रीमी टेक्सचर वाला हमें मिल गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ी देर रखेंगे जाएगा, तो इसको छन्नी से अच्छे से छान करके इसका जो मिल्क है, बेसिकली आलमंड मिल्क, वो हम निकाल लेंगे, उबला हुआ मिल्क। छानने के बाद जो भी मटेरियल बचता है उसको आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसका बहुत यूज़ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब बना लीजिए, फेस पैक बना लीजिए, वो भी लगा लीजिए, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके लिए। तो इसको कभी भी फेंकना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए हमने इसको ब्लेंड किया हुआ है और कुछ भी नहीं, थोड़ा पकाया हुआ है, चाहे तो मिल्क में भी डाल के इसको पी सकते हैं या फिर आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब टोटली इसको फेंकना आपको नहीं है, वेस्ट नहीं है। तो जब तक कि मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। और पुराने हैं तो आपको तो सब पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं, तो फटाक से सारी चीजें कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आलमंड मिल्क उबला हुआ अच्छे से मिल गया, जितना की हमें चाहिए उससे ज्यादा ही हमें मिल गया। एंड इसका स्मूथनेस टेक्सचर तो देखिए कितना स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे बेस क्रीम। बेस क्रीम के सबसे पहले मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है एलोवेरा जेल का, किसी ब्रांड का लीजिए जो भी आपके स्किन को सूट करता हो। तो जितना क्रीम बनानी है उस हिसाब से हमें यहाँ पे एलोवेरा जेल चाहिए। देखिए क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। जैसे कि हमने 1 चम्मच लिया है यहाँ पे एलोवेरा जेल, तो हम 1/2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे रोगन बादाम का। देखिए रोगन बादाम ऑयल ही इस्तेमाल कीजिएगा, शुद्ध बिल्कुल तेल होना चाहिए आलमंड का। तो यहाँ पे उसके बाद हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल, यहाँ पे किसी ब्रांड का ले लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता है। जितना हमने आलमंड ऑयल लिया था उतना ही हमें यहाँ इस्तेमाल करना है विटामिन ई कैप्सूल, तो उसी क्वांटिटी में यहाँ पे 2 ले रही हूँ, 2 का निकाल के मैं इसमें ऐड करूंगी। चीजों का रेशियो क्वांटिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे क्रीम वैसी ही बनेगी, अगर कुछ कम और ज्यादा कर देंगे तो क्रीम खराब हो जाती है, फिर हम सोचते हैं कि कैसे खराब हो गई, बनी नहीं, वो रीजन।
होता है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें को डालने के बाद अच्छे से एक स्मूदी बेस क्रीम तैयार कर लेंगे। और अभी सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन हमें कितना डालना है, क्वांटिटी हमें उतनी ही रखनी है जितना कि हमने आलमंड ऑयल रखा था। मतलब सारी क्वांटिटी बेसिकली आलमंड ऑयल की, विटामिन ई की और ग्लिसरीन की सेम क्वांटिटी में रखनी है और सारी चीजों को मिक्स करिएगा। देखिए क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अभी आपको दिखाऊंगी कैसे क्वांटिटी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर क्वांटिटी थोड़ी इधर उधर हो जाती है ना तो सारी क्रीम का सत्या पिट जाता है, सर्वनाश हो जाता है। सच बता रही हूँ, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं डेमो के साथ। तो नाउ देख सकते हैं काफी स्मूथ हमारी जो बेस क्रीम है बेसिकली वो तैयार हो गई। लगभग एक डेढ़ चम्मच छोटे चम्मच से हमने यहाँ तैयार कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये हमारा आलमंड मिल्क। कितना डालना है, जितना हमारी क्रीम थी उससे कम ही डालना है, बेस क्रीम जो थी उससे कम डालना है। मतलब डेढ़ चम्मच थी तो लगभग एक चम्मच में आलमंड क्रीम डाल लेना। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने कुछ गड़बड़ किया ना, इधर उधर किया तो सीरम का हाल पता कैसे होगा, ये देखिए कुछ ऐसा होगा, दही जम जाएगी ऐसी क्वांटिटी अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी जो आपका आलमंड है उसका, तो इस तरीके से बिल्कुल दही बन जाएगा, थक्का बन जाएगा एकदम, तो सिरम आपका वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, हमें कम ही इस्तेमाल करना, आलमंड ज्यादा नहीं करना। क्रीम जितनी है लगभग तो उतना करिए, उसे ज्यादा बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है आपका गुलाब जल, रोज वाटर ऐड कर लीजिए। रोज वाटर आप अपने जितना भी गाढ़ा पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड करना है। उसके सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करने के बाद, अगर आपको लगता है कि थोड़ा ड्राई है तो सब ऐड सम ड्रॉप ऑफ आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल का कुछ ड्रॉप इसमें डाल के अच्छे से तरीके से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा हाथे बना के, मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा मुझे आलमंड ऑयल और ऐड करना था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। नाउ यू कैन सी हमारा जो सीरम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बट अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा और रोज वाटर ऐड करके इसको पतला करके भी यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही ये अच्छा लग रहा है, देन ऐसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब हम क्या करेंगे, कोई भी सीरम का कंटेनर या जार आपके पास खाली होगा, इस तरीके से मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने अच्छे से वॉश करके इसका इस्तेमाल कर लिया। बहुत पड़े होंगे पुराने आपके पास, फेंका मत करिए, रख लिया करिए, काम आता है यार। तो देखिए बस अब हमें ये सीरम इसमें पोर कर देना है, डाल देना है सारा और स्टोर कर। काफी इफेक्टिव है, मॉइस्चराइज करेगा, डीप मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा, आपको स्किन को काफी सॉफ्ट सपल तुरंत इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफी अच्छी क्रीम है, मैंने इसको बनाया और ट्राई भी किया, मुझे काफी अच्छा लगा, स्पेशली मेरी बहन को बहुत पसंद आया क्रीम। तो आप भी बनाइए, बनाने के बाद इस्तेमाल करिए। देखिए पूरे विंटर इस्तेमाल करेंगे ना, तो चेहरे को काफी ग्लोइंग बना देगा, काफी ब्यूटीफुल लुक आएगा और एकदम ग्लो करेगा आपका चेहरा। तो बस आपको क्या करना है, इसको रात में लगाना है, रात में लगा के सो जाइए और सुबह उठ के अपना चेहरा वॉश कर दीजिए, काफी अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफी अच्छा सीरम है। तो आप भी बनाइए, कम से कम एक से डेढ़ महीने इसको इस्तेमाल करिए, उसके बाद मुझे आके यहाँ कमेंट के बताइएगा कैसा लगा, ठीक, बताइएगा जरूर यूज करने के बाद। और यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कैसा है, वरना कैसे पता चलेगा कैसा है। तो बनाइए और यूज करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप जब भी इसको बनाएं और लगाएं, हमेशा क्लीन चेहरे को, कभी भी आपने चेहरे गंदे चेहरे, हमेशा जब भी आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं पहला स्टेप होता है कि आप अपने चेहरे को अच्छे से किसी फेस वॉश से वॉश करें, उसके बाद भी कोई क्रीम या फिर सीरम इस्तेमाल करें, वरना पता है दाने बहुत आते हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि सूट नहीं किया। तो हमेशा अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद ही सीरम का इस्तेमाल करें, कोई क्रीम का भी इस्तेमाल करें। तो बस इस तरीके सिंपली लगा लेना है, लगा के जब आपके स्किन पर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, आपको दिख जाएगा, तुरंत ऑब्जर्व भी हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बस को छोड़ देना, रात भर रहने देना है और सुबह उठ करके आप किसी फेस वॉश से या नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। गाइस कमाल का ग्लो आता है और विंटर्स में काफ़ी मॉइस्चराइज़ और हाइड्रेट लगती है स्किन, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, शेयर करेगा सबके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।